मैडम क्या बदतमीजी कर रहे हो ये आप? खाना खाना है तो अपना मंगा लो ना अलग से, हमारा क्यों खा रहे हो? अरे पागल वागल हो क्या तुम? ऐसे झूठी थाली में खाना खा रही हो, शर्म नहीं आ रही? अरे ओ सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? लड़की इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अपना खाना मंगाओ ना अलग से। ओ तुम्हें शर्म नहीं आ रही, दूसरे का खाना खाए जा रही हो? अरे मैं खाना ही तो खा रही हूँ। कैसी ढीट हो रहा था ये? कपड़े तो इतने अच्छे पहन रखे हैं और कर्म भिखारियों वाले। ये भी कपड़े कहीं मांग के तो नहीं पहने तुमने? तुम्हें देख के तो लग रहा है तुम्हें खाने खाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास। ओ पागल वागल हो क्या, दिमाग से सटकी हुई हो? समझ नहीं आ रहा, शर्म नहीं आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? ऐसे किसी और की थाली में खाना खा रही हो? कैसी औरत है, मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रही है। अरे मैडम बस करो यार, हमारी थाली है, क्या कर रहे हो आप? तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? हम पागल नजर आ रहे हैं तुझे? मैडम गुस्सा करो, खाना दिखा रहे हो, अच्छा है? अरे मैडम खाना अच्छा ही होता है, लेकिन आप अपनी थाली मंगा लो ना, हमारे में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे भैया खाने दो ना यार। आकाश ऐसी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। अरे यार एक कैसी औरत है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये लो आपका रायता। थैंक यू। अरे वो बेशरम औरत हो रायता में। अरे बुढ़िया कैसे लोग आते तेरे यहाँ पे, मेरा रायता ही पी गई वो, मेरा मन था रायता पीने का, उसको कुछ बोलती क्यों नहीं है तू? जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तो कितने दिनों से भूखी है, सारा के सारा खाना खा जा रही है, हम क्या खाएंगे? हमें भी भूख लग रही है। अच्छा तो तुम्हें बुरा लग रहा है, खाने के पैसे चाहिए ना, एक काम करो ये लो 2000 की प्लेट होगी, ये लो 2000। अरे ओ हमें भूखा मत समझ, और ये ऐसे पैसे बहुत है हमारे पास, पैसों में बिकने वाले नहीं है, हमारा खाना छोड़ तू पहले। आकाश ये तो हमारी बेइज्जती करा रही है, सबके सामने 2000 रुपए में हमें खरीद रही है। कितने चाहिए? 2000। तूने समझ क्या रखा है, आजू बाजू के सब लोग देख रहे हैं, अपने पैसे अपने पास रख और हमारी थाली छोड़। अच्छा ये लोग आपको देख रहे हैं, इंसल्ट हो रही है, ये लो अब ठीक है क्या? ठीक है ये पकड़ अपने पैसे, हमारा दिमाग मत खराब कर। काम करो ये लो पूरे पैसे रख लो। इतने सारे पैसे मिल गए, थाली के और क्या चाहिए? अजी पागल औरत थी। हाँ सच में, पर जो भी हो हमारी तो चांदी चांदी करा गई। साथ में खाना भी छोड़ेगी, खा ले क्या? अरे आकाश क्या ये खाना खाओगी आप? छोड़ो ना इतने सारे पैसे हैं, हम ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। अरे वो सब छोड़, इसने इतने से खाने के इतने सारे पैसे दे दिए तो सोच इसके पास कितने पैसे होंगे। एक काम करते हैं, इसके पास चल के काम मांग लेते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो। हाँ, चलो चल चल आगे। एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकेंड मैम, अभी हमने देखा कि वहाँ पे आपने इतने से खाने के इतने ज़्यादा पैसे दे दिए, तो मैम हम ये सोच रहे थे अगर आपके पास हमारे लायक कोई काम हो तो। हाँ मैम हम ना कोई भी काम कर लेंगे, बस आप ऐसे ही हमें पैसे देते रहना। हो अच्छा, तो अब आप लोगों को कोई काम चाहिए? सॉरी बट मैंने ये आप लोगों को काम देने के लिए पैसे नहीं दिए, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा काम है जहाँ मैं आप लोगों को जॉब पे रख सकूँ। पहली बात ये कि वो हुआ उस टाइम की छी यार आकाश, ये हम इतना गंदा खाना खाएंगे, इसकी उंगली इसमें डूबी पड़ी है, आप देखो तो सही इसकी उंगली है कितनी गंदी। अबे ओ बुड्ढी तेरे को खाना देना नहीं आता क्या, ऐसे कोई खाना देता है क्या? कितनी अनहाइजीन है तू, ढंग से खाना लाया करना, पैसे दे रहे फ्री में खाना थोड़ी खा रहे तेरे हम। चल दूसरा लेकर आ, हमें नहीं खाना ये खाना गंदा सा, निकल यहां से। तेरे को सुनाई नहीं दिया? ये खाना लेके जा, हमें नहीं खाना, दूसरा लेके आओ। अब क्या तेरे को अलग से पैसे चाहिए इसके भी, निकल। सुभाष भैया मैं एक मिनट में आती हूँ। ठीक है मानती हूँ उनकी गलती थी, उनकी गलती से खाने में उंगली आ गई थी, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए था, वो बुजुर्ग है उनसे गलती हो गई, इस एज में भी वो मेहनत करके कमा रही हैं। अरे बाकी लोगों को देखो हट्टे कट्टे होते हैं और रोडों पर भीख मांग रहे होते हैं, कहीं चोरी कर रहे होते हैं, कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे तो गर्व है ऐसे इंसान पे जो अपनी एज का भी लिहाज नहीं कर रहा और मेहनत कर रहा है। अरे तुम लोगों को उनकी उम्र का लिहाज करके उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें गलत थी या सही, लेकिन तरीका गलत था आप लोगों का। कभी भी किसी इंसान से, खासकर ये बड़े इंसान से इस तरीके से बात नहीं करते। अगर कोई आपकी मम्मी या आपकी दादी होती तो आप लोग भी ऐसे ही उनसे ट्रीट करते क्या? चीज़ों को सही तरीके से बताया जा सकता है, गलत तरीके से नहीं। चीख चिल्ला के बातें सही नहीं हो जाती, बात जो सही है वो सही तरीके से और प्यार से समझाई जाती है। और रही बात हाइजीनिक की,
तो मैं एक स्ट्रेंजर होके आपके प्लेट में खाना खाने लगी, और जहाँ मैंने चंद पैसे क्या फेंके, आपका सारा हाइजीन चंद पैसों में बिक गया। तो सॉरी मैम, राम राम, मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है, और ये बस खाली आपको सीख थी। शायद आप लोगों को अब सबक आ गया हो, तो इन पैसों को रख लेना और किसी बड़े बुजुर्ग की मदद कर देना।